सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप फोगाटा, गांव मुंडाड़कला। मैं नेटसर्फ कंपनी में काम करता हूं। नेटसर्फ कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूं। हमारे पास खेती बाड़ी और पशुधन के प्रोडक्ट हैं। मैं आज गांव तालू में आया हुआ हूं, किसान के खेत में आया हूं, जिसका नाम सुंदर एक्स सरपंच गांव तालू। मैं उसके खेत के अंदर आया हुआ हूँ। हम आपको बार बार खेती बाड़ी के रिजल्ट दिखाते हैं और पशुओं के भी रिजल्ट दिखाते हैं हम आपको। ये प्योद किसान भाइयों आप लोग देख रहे हो कैसी हैं। ये 20 दिन की प्योद हैं, आप लोग देखो ध्यान से किसान भाइयों। जो आगे वाला डबड़ा उसकी 20 दिन की प्योद हैं और हम आपको 5 से 7 दिन के अंदर इनका रिजल्ट दिखाएंगे। तो हम इनके अंदर क्या डलवा चुके हैं, पानी के साथ गुड़ और बेसन, बायोस्टिमरिच बायो 95 और CFC का घोल हम इनके अंदर डलवा चुके हैं और ऊपर से हम अब स्प्रे करवाते हैं। ये हमारे किसान हैं भाई। शुभ नाम आपका? मेरा बलविंदर। इनका नाम है बलविंदर। ये किसान हैं, यहाँ खेतीबाड़ी जो कर रहे हैं। हम इनके अंदर घोल के अंदर अब दवाई डलवा रहे हैं। कुछ घोल है देख लो किसान भाइयों, गुड़ का और बेसन का। इनके अंदर हम कुछ दवाइयाँ डलवा रहे हैं। ये 15 ml से 17 ml दवाई डाल दो सर, 20 ml डाल दो। 20 लीटर पानी होगा सर ये, 20 ml डाल दो। ठीक है जी, ये हमने बायो स्टीमरिच 20 ml डलवा दी है। हम स्प्रे के माध्यम से देंगे और इसके अंदर लगभग 10 ml गूंद डाल दो सर। ये हम गूंद डलवा रहे हैं 10 ml, देख लो किसान भाइयों, डाल दो जी। और 100 ml उसमें से डाल दो सर, उस बोतल में से, उसमें से जो आपकी परली साइड में रखी है ना। इसके अंदर किसान भाइयों देसी गाय का मूत्र है किसान भाइयों। ये हम इसके अंदर 100 ml डलवा रहे हैं, आप भी डाल सकते हो। नमस्कार मिस्त्री जी। इसको अच्छी तरह गोड़ लो बलविंदर जी। अपनी वो बड़ी वाली टंकी डाल लो जी। पत्ते का मारनी हो गई। सुनो एक बार उस स्प्रे से करो, एक बार कोई बात कुंजित ना करो, एक बार कुछ स्प्रे से कर लो आप, हो जाएगा जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत कौन है। गालो स्प्रे में गालो आप एक बार। इसमें नीचे डाला जी अपन, एक बगैर दिया इसमें। हाँ इसमें पानी के साथ डाल दिया जी। इसमें एक नंबर की तो जाने की सारी देखो तो क्या निकाल।
देखो किसान भाइयों, हमने इसके अंदर गुड़ और बेसन का घोल नीचे पानी के साथ डलवा दिया। आप लोग भी डाल सकते हो अपनी धरती को सुधारने के लिए। और डीएपी यूरिया को बिल्कुल भूल जाओ आप लोग, डीएपी यूरिया को बिल्कुल बंद कर सकते हो आप लोग। धीरे धीरे, एकदम नहीं करना किसान भाइयों, धीरे धीरे डीएपी यूरिया को और प्रैक्टिसाइड स्प्रे को बंद कर दो। देखो उसका नतीजा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने है।